वेलकम बैक। दिस इज द थर्ड सेशन ऑफ ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किया है और हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन पहले होमवर्क चेकिंग से। ओके चलिए, आई होप सब लोगों ने होमवर्क किया है। मिस लीना हैज गिवन यू द इंफॉर्मेशन एंड देखते हैं यहाँ पे क्या स्टेटस है। मटेरियल 35,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12, 4,20,000 एडिशनल मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स वी हैव पेड। Normal loss is 8% of input, so 35,000 into 8% is 2,800 units. जो आप 6 रुपीस से बेचते हो तो 16,800 वसूल हो गया। फिर आपने कहा कि सर हमारे पास 29,000 units हैं, तो balancing figure, that is units में balancing number मिला 3,200 is your abnormal loss. फिर आप गए average cost per unit के लिए, that is net total cost 5,45,000 minus selling price of sales amount of normal loss. Divided by input units minus normal loss units, तो 16.434037 आपका average cost आया। उसको आपने abnormal loss को और process finished goods को multiply किया, तो ये amount आई। This is your insurance claim, आप इतना डाल सकते हो। Sanction कितना होगा वो अलग बात है, लेकिन ये claim आप डालोगे और इतना amount आप collect करोगे अगले process से, क्योंकि आपने इतना माल उनको दिया है। So this is the way we have solved this homework question. ओके, सो सेम वे क्वेश्चन नंबर 10 वाज गिवन फॉर होमवर्क, जहां पे हमने देखा फिर से एक बार मटेरियल एडिशनल मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स का इनपुट दिया। नॉर्मल लॉस 6% था 32,000 का, तो 1,920 रुपीस से 5,760 वसूल हुआ। उसके बाद आपके फिनिश गुड्स यूनिट्स 27,000 थे, तो 3,080 यूनिट्स इज अ बैलेंसिंग नंबर विच इज एबनॉर्मल लॉस। फिर हमने एज यूजुअल एवरेज कॉस्ट निकाला 10.945479, मल्टीप्लाई किया एबनॉर्मल लॉस को और प्रोसेस टू के दिए हुए फिनिश गुड्स को, तो आपका ये अकाउंट परफेक्टली टैली हो गया। दिस इज द वे वी हैव सॉल्व दिस होमवर्क क्वेश्चन। सो ये भी हमारा अकाउंट टैली हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है एबनॉर्मल गेन वाला, जहां पे अरविंद ने हमें डेटा दिया था। पहले हमने मटेरियल वेजेस ओवरहेड एडिशनल मटेरियल लिखा, नॉर्मल लॉस 12% ऑफ 64,7680 2 रुपीज से बेचा गया। फिर हम एज यूजुअल पहले यूनिट्स कॉलम क्लोज करेंगे, तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं 5,680 आर एक्स्ट्रा यूनिट्स वी गॉट। जैसा मैंने कहा कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना लॉस नहीं हुआ, मे बी न्यू मशीन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा हुआ, सो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, उसके लिए पहले एवरेज कॉस्ट निकाला एज यूजुअल, टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो ये मिल गया हमें एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है एबनॉर्मल गेन को और फिनिश गुड्स को, एंड ये अकाउंट आपका परफेक्टली टैली हो गया। सो इन दिस वे वी हैव डेल्ट विद एबनॉर्मल गेन इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये है, मिस्टर हार्दिक ने हमें कुछ क्वेश्चन डेटा दिया हुआ है, मटेरियल एडिशनल मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स नॉर्मल लॉस ये सब कुछ दिया है। जब हमने यूनिट्स और फिनिश गुड्स यूनिट्स भी, जब हमने यूनिट्स मैच किए तो 900 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिले एबनॉर्मल गेन। फिर से हमने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाला या अप्लाई किया एंड दोनों को हमने उसके मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गॉट द अकाउंट परफेक्टली टैली। अकाउंट टैली हो गया, इट मींस योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, तो आज के सेशन का इंपॉर्टेंट मेनू क्या है? मेन्यू ये है कि अभी तक हमने तीन अलग अलग प्रोसेस अकाउंट देखे। एक में एबनॉर्मल लॉस नहीं था, एबनॉर्मल गेन भी नहीं था, दूसरे में एबनॉर्मल लॉस था, फिर एबनॉर्मल गेन। अगर तीन अकाउंट एक साथ पूछे तो देखते हैं क्या है। एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट इन थ्री प्रोसेसेस। एक्स लिमिटेड आपका क्लाइंट है, कहता है मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ तीन प्रोसेस में से जाता है। प्रोसेस 1, 2, 3 यूनिट्स कितने इंट्रोड्यूस किए, उसका कॉस्ट क्या था, एडिशनल मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स नॉर्मल लॉस सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड फिनिश गुड्स यूनिट्स। और उसने कहा फाइनली जो कॉस्ट आएगी उसमें मैं 20% प्रॉफिट ऐड करूंगा और उसको बेच दूंगा। तो हमें करना क्या है, हमें प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए पहले प्रोसेस वन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, पहले इसको गायब कर दें। चलिए पहले प्रोसेस वन अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एज वी नो, फॉर्मेट तो अभी हमें मालूम है पूरा। पहले मैंने पूछा बताइए आपने कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, उसने कहा सर मैंने 20,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं एट द रेट ऑफ 40। सो 20,000 इंटू 8 लाख रुपीज का मटेरियल हुआ। फिर कुछ एडिशनल मटेरियल उसने कहा यस सर 12,000 का,
लेबर एंड ओवरहेड्स, उसने कहा यस सर 30,000 and 12,000, ठीक है। कुछ नॉर्मल लॉस होता है, उसने कहा यस सर नॉर्मल लॉस होता है हमारा विच इज 10% of 20,000, तो 2,000 यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो एज अ नॉर्मल लॉस, और हम उसको बेच देते हैं 2 रुपए से, सो 2,000 into 2, 4,000 सर सेल्स से मिला, ठीक है। कुछ अगले प्रोसेस को दिया आपने, उसने कहा यस सर बाय प्रोसेस टू अकाउंट आपने, आई एम सॉरी, आपने कितने यूनिट्स दिए, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि सर मैंने यूनिट्स दे दिए हैं 18,000। तो इतना ही डेटा हमारे पास है, सी एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, यूनिट्स इंट्रोड्यूस एट द कॉस्ट, फिर एडिशनल मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, सेलिंग प्राइस एंड फिनिश गुड्स यूनिट्स, इतना ही डेटा है हमारे पास। आप मुझे बताएंगे कौन सा कॉलम पहले क्लोज होगा, यूनिट्स वाला कि कॉस्ट वाला या अमाउंट वाला, सॉरी यूनिट्स वाला कि अमाउंट वाला, यूनिट्स वाला, परफेक्ट भाग्यश, यूनिट्स वाला, तो करेक्ट। आउट ऑफ 20,000 2,000 यूनिट्स खराब हो जाते हैं, तो 18,000 सर आपका यूनिट्स रहना चाहिए, और उतना ही है, मतलब यूनिट्स के कॉलम को कोई टेंशन नहीं है, यूनिट्स का कॉलम हो गया क्लोज, मतलब नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। तो हमने कहा चलिए सर फिर एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए, और एवरेज कॉस्ट पे इसका वैल्यूएशन हम कर लेंगे। तो ये आया मैं वर्किंग नोट में, एवरेज कॉस्ट निकालनी है मुझे, एक मिनट लीजिएगा। सो हमारे पास एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है सर, नेट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय गुड यूनिट्स। तो हम प्रोसेस वन के लिए एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, ये देखिए डेबिट साइड की सर टोटल है 8,54,000 एज यू कैन सी -4,000 और यूनिट्स है 20 -2, सो 8,54,000 - 4,000 इज 8,50,000 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 20,000 इनपुट यूनिट्स -2,000 नॉर्मल लॉस यूनिट्स 18,000। तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आती है 47.2222। तो मैंने उनको कहा सर बिंदास जाइए आप और 47.2222 से 18,000 को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 8,50,000, और आप ये अकाउंट क्लोज कर सकते हो, टैली हो गया 8,54,000 पे। सो दिस इज 1/3 ऑफ आवर सॉल्यूशन, एक अकाउंट बन गया आउट ऑफ 3 अकाउंट। चलिए मैं आता हूं प्रोसेस 2 अकाउंट की तरफ। प्रोसेस टू अकाउंट कहते हैं सर हमारा काम वहां से चालू होता है जहां से आपका काम खत्म हुआ था, मतलब उसने कहा सर ये देखिए ये जो आपका 18,000 निकला वहां से वो हमें मिल गया, सो दैट इज वाई अवर वर्क विल स्टार्ट वेर योर वर्क एंड्स, आपका जो फिनिश गुड्स है वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है, तो वो जो 18,000 यूनिट्स थे 8,50,000 वो मेरे पास आ गए, मैंने कहा सही है। उसके बाद मैंने पूछा कुछ एडिशनल मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स आपने पे किए, इसे यस सर एडिशनल मटेरियल 15,000 वेजेस 40,000 ओवरहेड 15,000, ये कहां से आया ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए प्रोसेस टू में 15,000 40,000 and 15,000, 12% नॉर्मल लॉस है सर, 3 रुपीज से हम बेच देते हैं, तो 18,000 का 12% 12% of 18,000 वो यूनिट्स आ गए आपके 2160, जिसको आप 3 रुपीज से बेच देते हो तो 6480 आपको सेल्स अमाउंट मिल गया। मैंने कहा ठीक है, क्या आपने थर्ड प्रोसेस को कुछ माल दिया, उसने कहा यस सर क्यों नहीं दिया, आई एम सॉरी बाय प्रोसेस टू अकाउंट मैंने सर कुछ यूनिट्स भेज दिए 15,840। तो मैंने पूछा पहले हम अकाउंट क्लोज करते हैं, तो मैं काम करता हूँ छोटा सा चेंज कर लेता हूँ, 15,840 के बजाय मैं 14,840 कर देता हूँ, ठीक है इतने यूनिट्स इन्होंने बनाए। तो मैंने कहा देखिए सर अभी आपका अकाउंट, पहले हम यूनिट्स का कॉलम क्लोज करते हैं, डेबिट साइड की टोटल होती है 18,000 और क्रेडिट साइड की टोटल होती है दोनों मिला के 17,000, तो 1,000 यूनिट सर गायब है and that is called as the abnormal loss,
राइट। तो अभी हमें दो चीजों का वैल्यूएशन करना है, फिनिश गुड सेंट एंड 1000 एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो इसके लिए हमें फिर से आना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट के लिए। पहले डेबिट की टोटल कर लेते हैं। सो डेबिट की टोटल है 9,20,000। एवरेज कॉस्ट की तरफ जाएंगे, फिर से वही प्रोसेस टू के लिए, डेबिट की टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, सॉरी सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर में इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो कॉस्ट आती है 57.67, इससे मैंने मल्टीप्लाई करना है दोनों को, फिनिश गुड्स को भी और एबनॉर्मल लॉस को भी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई आपकी अमाउंट। और जब मैंने यूनिट्स का और अमाउंट का कॉलम क्लोज किया तो ये परफेक्टली टैली हो गया। टैली हो गया मतलब आपका वैल्यूएशन एकदम सही है। तो आप अगले प्रोसेस से 8,55,848 लीजिए और एबनॉर्मल लॉस इंश्योरेंस क्लेम डाल सकते हो 57,672 का। दैट वॉज अबाउट प्रोसेस टू अकाउंट। ओके, तो अभी हम आ रहे हैं प्रोसेस थ्री की तरफ। प्रोसेस थ्री कहता है देखिए सर, आप जो माल दोगे वही हमारे पास आएगा। तो हमारा काम वही से स्टार्ट होगा जहां पे आपका काम रुकता है सेकंड प्रोसेस का। सो वो कहेगा प्रोसेस टू अकाउंट, आपके यहां से जो माल निकला वो हमारे पास आया 14,840 यूनिट्स। जो आपने दिए वो हमने लिए और उसकी वैल्यू भी आपको दे दी। मैंने कहा ठीक है, क्या आपने भी इस पे कुछ प्रोसेसिंग किया? उसने कहा ऑफ कोर्स सर, हमें भी तो खर्चा करना पड़ता है उस पे, तो एडिशनल मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड्स। ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना है आपका? उसने कहा 5% है सर, तो यूनिट्स हो जाते हैं 742 और हम उसको 4 रुपए से बेच देते हैं। ठीक है, फिनिश गुड्स यूनिट्स बताइए। अब आप इसको बाय प्रोसेस थ्री नहीं, आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो बाय स्टोर। स्टोर्स मतलब गोडाउन, वहां पे आपने माल भेज दिया। कितने यूनिट भेजे आपने? तो उसने कहा 14,098। मैं छोटा सा चेंज कर लू ऊपर जाके, तो 14,600 यूनिट सर हमने स्टोर्स में मतलब गोडाउन में भेज दिए। मैंने कहा पहले यूनिट्स का कॉलम क्लोज करते हैं। तो क्रेडिट साइड की टोटल है होती है 15,342, जबकि डेबिट साइड कम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा यूनिट्स आए हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। 502 यूनिट्स आर एक्स्ट्रा विथ अस। तो अगर एबनॉर्मल गेन है तो करना वही है, फिर से एक बार हमें आना है कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट के कैलकुलेशन में। मैंने कहा सर देखिए, डेबिट की जो टोटल है वो होती है 928,848 माइनस 2968 का हमारा नॉर्मल लॉस का सेल्स वैल्यू है, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स 14,840 माइनस 742। तो ये हुआ आपका एवरेज कॉस्ट 65.67। फिर मैंने उनको कहा कि सर इसी रेट से आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 65.67 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और अगर आपने ये सही किया है तो ये आपका अकाउंट टैली होना चाहिए। तो ये हो गया टैली, मैं इसको राउंडिंग ऑफ कर लेता हूं, सो इट विल बी परफेक्टली टैली। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड प्रोसेस थ्री और वी हैव प्रिपेयर्ड प्रोसेस थ्री अकाउंट अलॉन्ग विथ एबनॉर्मल गेन। ओके, तो अभी हम लास्ट पार्ट में है। हमारा क्लाइंट हमें ये पूछ रहा है कि सर मुझे ये बताइए कि ये तो पता चल गया कि हर एक प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है, लेकिन ये बताइए कि मैं फाइनली सेलिंग प्राइस कितनी रखूं। मैंने कहा देखिए आप थर्ड प्रोसेस की कॉस्ट लीजिए क्योंकि उसमें सारे प्रोसेसेस की कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है। तो वो है 65.67, ये देखिए हमने कैलकुलेट किया था 65.67। उसमें आपको कितना प्रॉफिट ऐड करना है? उसने कहा सर 20%। तो ठीक है, मैंने कहा 20% प्रॉफिट आएगा, 20% मल्टीप्लाइड बाय आपकी 65.67 कॉस्ट, उसमें कीजिए ऐड प्रॉफिट एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, जो भी आपका फाइनल सेलिंग प्राइस होगा। तो आप ये प्रोडक्ट 78.8095 रुपीस पर यूनिट से बेच सकते हो। सो फाइनली टू कंक्लूड, हमने क्या किया,
हमने तीन प्रोसेस अकाउंट्स बनाए, पहले प्रोसेस के बाद दो प्रोसेस के लिए जगह छोड़ दी और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस वन का निकाला, फिर प्रोसेस वन का माल प्रोसेस टू की तरफ गया, फिर उसने कुछ खर्चा किया, वहां पे एबनॉर्मल लॉस हुआ, फिर से हमने एवरेज कॉस्ट निकाला सेकंड प्रोसेस का 57.67172, वो अप्लाई करके अकाउंट टैली हुआ, फिर सेकंड प्रोसेस ने माल दे दिया थर्ड प्रोसेस को, फिर से वहां पे देखा तो एबनॉर्मल गेन था, अगेन वी कैलकुलेटेड द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 65.67458, वो अप्लाई किया और अकाउंट क्लोज्ड। तो फाइनली आपकी कॉस्ट 65.67 थी, उसमें आपको 20% प्रॉफिट अगर चाहिए तो वो ऐड कर लो, और एक बार ये प्रॉफिट ऐड कर लिया तो जो मिल जाएगी दैट इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इस प्राइस पे आप ये माल बेच सकते हो। ओके, तो अभी हम ये सॉल्व कर रहे हैं वाई लिमिटेड के लिए। वाई लिमिटेड भी प्रोडक्शन करता है तीन प्रोसेसेस में, तो आइए पहली प्रोसेस देखिए। 30,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 39 लाख रुपीज का इनपुट है, एडिशनल मटेरियल 16,000, वेजेस 18,000, ओवरहेड्स 34,000, इसमें से 10% दैट इज 3,000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाता है और 3 पर यूनिट से आप बेच देते हो। फिनिश गुड्स यूनिट्स 27,000 है, मतलब नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। फिर हम नीचे आए, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाला, टोटल ऑफ डेबिट साइड 9,68,000 में से 9,000 वसूल, 30,000 में से 3,000 गए गुड यूनिट्स 27,000, 35.51852 इज योर एवरेज कॉस्ट, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोसेस अकाउंट परफेक्टली टैली हो गया। अब प्रोसेस वन ने कहा ये जो माल है 27,000 यूनिट्स ये मैं प्रोसेस टू को दे देता हूं, तो ये माल यहां से निकला और इधर आया, प्लस उसने कुछ खर्चा किया 35,000, 21 एंड 18,000, नॉर्मल लॉस 12% है 27,000 का, दैट इज 3,240, जो आपने 4 रुपए से बेच दिया 12,960। फिर आपने कहा हमारे फिनिश गुड्स है 22,000, 27 में से अगर 3,240 गए तो वो रहने चाहिए थे समवेयर 23,000 समथिंग, लेकिन ये 22,000 ही है, मतलब 1,760 यूनिट्स गायब है। अब इन दोनों का वैल्यूएशन करने के लिए फिर से एवरेज कॉस्ट में आइए, फिर से डेबिट साइड की जो कॉस्ट की टोटल है वो लीजिए, माइनस 12,960 नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, तो 42.93 आपकी कॉस्ट आ गई, जिसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किस किस को, फिनिश गुड्स को और एबनॉर्मल लॉस, तो अकाउंट टैली हो गया। एबनॉर्मल लॉस तो खैर इंश्योरेंस क्लेम के लिए कैलकुलेशन किया था, लेकिन ये जो प्रोसेस टू को माल दिया है वो इधर आ जाएगा, इसके पास 22,000, वो कहेगा प्रोसेस टू ने मुझे माल दिया, और ये कहेगा बाय प्रोसेस थ्री कहना चाहिए था, ना कि टू, ये प्रोसेस थ्री को माल देने का। तो ये माल आया, फिर से मैंने भी कुछ खर्चा किया, मटेरियल एडिशनल मटेरियल वेजेस ओवरहेड, 5% गुड्स खराब हो जाते हैं जनरली, उसको आपने 6 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फिनिश गुड्स यूनिट्स लिखा और आपको पता चला कि अरे ये तो यूनिट ज्यादा बन गए, तो 700 यूनिट्स आपके पास एक्स्ट्रा थे, इसलिए आप आए नीचे, आपने फिर से एवरेज कॉस्ट निकाला, डेबिट साइड की टोटल माइनस नॉर्मल लॉस का सेल्स अमाउंट डिवाइडेड बाय 22,000 यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, तो ये आ गई आपकी 49.94648। फिर ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया फिनिश गुड्स को एज वेल एज हमारे एबनॉर्मल गेन को, तो ये अकाउंट हमारा परफेक्टली टैली हो गया। अब हमारा क्लाइंट कहता है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आप हमें सेलिंग प्राइस भी बता दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, थर्ड प्रोसेस की कॉस्ट आई है आपकी 49.94, तो ये जो 49.94 थर्ड प्रोसेस की कॉस्ट है उसमें हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया 30%, तो हमें 64.9304 इतना हमें टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम रख सकते हो। इन दिस वे टुडे वी हैव लर्न्ड प्रिपरेशन ऑफ 3 लेजर अकाउंट्स इन अ रो, प्रोसेस वन नो एबनॉर्मल लॉस नो एबनॉर्मल गेन, प्रोसेस टू सिर्फ एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस थ्री सिर्फ एबनॉर्मल गेन, और हमने ये भी सीखा कि फाइनली हम सेलिंग प्राइस हमारा क्लाइंट कैसे डिसाइड कर सकता है। सो इन दिस वे टुडे वी हैव गॉन थ्रू दिस स्पेशल सीरीज ऑफ 3 अकाउंट्स एट अ टाइम। अगले सेशन में हम इसके MCQs की प्रैक्टिस करेंगे जो कि ACCA को एप्लीकेबल है, तो अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।